वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में दिए गए बेल बटन को जरूर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं ना आपको टाइम दिखा रही थी, लेकिन उससे पहले नाखून दिखाने लगी कि देखो जिस दिन मार्केट गई थी ना, ये उस दिन के ऐसे ही हैं। और देखो टाइम, आप 4 बजे हैं ये सुबह के, और वही मैं आपको दिखा रही थी। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, कैसी हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 4 बजे मैंने अभी आपको टाइम दिखाया और मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने छोले उधर गैस पे उबलने के लिए रखे हुए हैं और प्रसाद बनाऊंगी अभी। और आर्यन को उठाया उसका गर्म पानी करने के बाद, क्योंकि फिर अब आर्यन नहाएगा और वही जाएगा मंदिर में मत्था टेकने के लिए। और मैं जब तक यहाँ पे तैयारी कर लूंगी कंजक बिठाने की, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत ही जल्दी करते हैं कंजक, हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जल्दी बिठाते हैं इस वजह से। और देखो मैंने ये वाली कुर्ती डाली है, देखो इसका ना ऐसे वाला डिजाइन है, पीछे से बिल्कुल प्लेन है और सामने इसका ये वाला डिजाइन है। और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है ये वाली। इस पे ये लग रही है, इस पे प्लाजो भी ऐसे ही है ब्लू कलर का, लेकिन मैंने वो वाला प्लाजो नहीं डाला जो मेरे पास था, मैंने वो वाला प्लाजो डाला है, वो भी ब्लू कलर की है। और ये वाला दुपट्टा, ये मैंने घर पे पहले ही ला के रखा हुआ था, ये लिया है क्योंकि इसके साथ मुझे कोई दुपट्टा नहीं मिला इस वजह से, तो मैंने ये वाला ही दुपट्टा ले लिया इसके साथ, क्योंकि ये भी नया ही था, मैंने एक बार भी नहीं लिया इसको। अभी बस मैं खाना ही बनाने की तैयारी कर रही हूँ और सेल्फ वगैरह मैंने सारी चीज़ें साफ कर लिए, साफ करने के बाद ही मैंने छोले उबलने के लिए चढ़ाई है। और आर्यन नहाने जा रहा है और आराम आराम से इस वजह से बात कर रही हूँ आप सबसे, क्योंकि बहुत जल्दी है ना इसलिए। बाकी सब सोए हुए हैं, बस पिंकी भी उठ जाएगी थोड़ी सी देर में, क्योंकि खाना मैंने बनाना है और आर्यन लेके जाएगा। पिंकी बाद में जब मैं पूरी बनाऊंगी ना तब मेरी मदद कर दे, जल्दी तो इस वजह से उठते हैं क्योंकि फिर मंदिर में जाना होता है ना, यहाँ पे सबसे पहले प्रसाद बना के मंदिर में जाते हैं और उसके बाद ही फिर घर में बनाते हैं, और इसीलिए मैं जल्दी उठी। और कई बार तो ना मैं 3-3 बजे भी उठ जाती हूँ, जब मैं मंदिर जाती थी ना जब आर्यन छोटा था तो मैं 3 बजे उठ के जाती थी नहा धो के। फिर यह ना अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, थोड़ी सी हेल्प करने लगा वो मम्मी की, और जो परी के पापा है ना उनके साथ जाएगा, अकेला नहीं जाएगा। तो चलो देखो सुबह सुबह भी मैंने कितनी सारी बातें कर ली, तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं और मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर बाद। और आज कंजक आएगी हमारे घर, बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे ना संजी तो हमारी कल जा चुकी है क्योंकि आज शनिवार है ना, इस वजह से संजी हमने कल ही भेज दी थी, वैसे यहाँ सबने ही कल भेज दी थी संजी इसलिए। तो आज बस कंजक पूजन होएगा हमारे यहाँ, तो चलो तैयारी करते हैं अब जल्दी जल्दी से। और अभी सबसे पहले मैं बर्तन लगा दूंगी, जो रात में बर्तन साफ़ करके रखते हैं ना उनको रैंक में लगा दूंगी। उसके बाद मैं थोड़े से काजू बादाम वो भी कट कर लूँगी जब तक इधर छोले उबल जाएंगे। और मैंने ना खोपा नहीं डाला, मैंने बस काजू बादाम और किशमिश यही डाले हैं। किशमिश को भी मैंने पानी में भिगो के रख दिया थोड़ी सी देर के लिए ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और जब तक ये छोले भी उबल जाएंगे इसके बाद मैं प्रसाद बना लूँगी। और अब मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है और अब इसमें मैं घी डाल रही हूँ गाय का, क्योंकि हम गाय रखते हैं ना। और अब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसके बाद मैं इसमें सूजी डाल लूँगी। और वैसे अगर मैं आज ये वाला प्रसाद ना बनाती तो मैं इसमें ना सूजी में थोड़ा सा बेसन भी मिक्स कर लेती हूँ। बेसन मिक्स करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा हलवा तैयार होता है हमारा बनके, लेकिन आज मैं खाली सूजी का ही बनाऊंगी। और देखो जितना मुझे घी डालना था मैंने डाल लिया और अब सूजी भी डाल दी। और मैं ना कटोरी वगैरह से ऐसे कोई उनका वो नहीं करती, मैं ऐसे ही डाल लेती हूँ जितना मुझे ज़रूरत होती है। और सूजी मैंने पहले ही छान के रखी हुई थी। और ये देखो इनको अच्छे से भून रही हूँ जब तक इनका कलर चेंज होगा तब तक। और अब इनका अच्छे से कलर चेंज हो चुका है, वैसे ये दिख नहीं रहे ऐसे लेकिन इनका कलर चेंज हो चुका है। और जो इस टाइम पे सूजी में से जो स्मेल आती है ना बहुत अच्छे वाली, वो भी आ रही है। और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, वैसे चाहो तो शरबत भी डाल सकते हो लेकिन मैं पानी अलग चीनी अलग ऐसे ही डालती हूँ। कभी बनाती हूँ मैं शरबत वाला हलवा, लेकिन मैं ज़्यादातर यही वाला बनाती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब मैं चीनी में डाल लूंगी, जितनी हलवे में जरूरत है उतनी ही चीनी डाल लूंगी बस। और अब इनको अच्छे से मिक्स करके और अच्छे से पका लूंगी।
और आज ना मैंने कलर भी नहीं डाला, वैसे मैं ज़्यादातर कलर डालती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि आज नहीं डालते, आज बिल्कुल सिंपल जो रियल कलर होता है ना, आज वही वाला हलवा बनाएंगे। और ये देखो हलवा हमारा अच्छे से पक चुका है, और अब इसमें मैं जो काजू बादाम सब कुछ कट करके रखे हुए थे वो डाल रही हूँ, और दोबारा फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और हलवा देखो आप कितना अच्छा बना है ना, कहीं चिपक नहीं रहा ना, कड़छी अगर हम इसमें घुमा रहे हैं तो साथ के साथ वापिस हो रहा है, इसका मतलब है हमारा हलवा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन के तैयार हुआ था। उसमें मतलब जितने घी की जरूरत थी, जितना मतलब जो भी चीज़ें चाहिए थी, वो सब कुछ परफेक्ट है। और अब मैंने उसको एक बर्तन में निकाल दिया, और प्रसाद के लिए भी मैंने अलग से निकाल दिया पहले ही। अब मैं कढ़ाई को खाली कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें सब्जी में भी तड़का लगाना है, मतलब जो मैं काले चने बनाऊँगी ना उसमें भी तड़का लगाना है, और वो मैंने सोचा कि चलो इसमें ही लगा देती हूँ, क्योंकि ये बर्तन खाली हो जाएगा, और बाद में फिर ना दूसरी कढ़ाई में पूरियाँ भी बनानी है। और ये देखो ये छोटी सी डोली है ना, ये मैंने आर्यन को दे दी, इसमें प्रसाद है, वो मंदिर जा रहा है अभी। और अंधेरा देखो आप कितना अंधेरा है ना, ये 5 बजे का टाइम है। और अब मैंने कढ़ाई साफ़ कर ली, दोबारा फिर उसको गैस पे चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, जीरा डाल दिया, धनिया डाल दिया, और अब थोड़े से ना मसाले पानी में मैंने मिक्स करके रखे हुए हैं, वही जो हमारे रूटीन के मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक, वो डाल के अब मैं इसमें छोले डाल दूँगी जो मैंने उबाल के रखे हुए हैं। और पानी में मसाला मैंने इसलिए घोला था, वो उसका पेस्ट इस वजह से बनाया था ताकि मसाले फिर वो ना जलने की स्मेल आती है वो नहीं आएगी। और ये देखो इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और थोड़े से ना एक्स्ट्रा ही बनाए थे मैंने, क्योंकि ये वाले चने ना फिर चाय के साथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मुझे फिर दोपहर में भी इसको ना थोड़ा सा तरी वाले बनाने हैं, इसलिए मैंने थोड़े एक्स्ट्रा ही बना लिए थे। और थोड़ी सी अब हरी मिर्च भी डाल दी, और अच्छे से हमारे छोले बन के तैयार हो चुके हैं। और अब मैं पूजा कर रही हूँ, इस टाइम तक मैं दूध भी निकाल के ले आई, बीच में मेरा दूध वाला काम भी होता है ना, मैंने कपड़े चेंज किए, फिर मैं दूध निकाल के लाई, फिर आके हमने पूरियाँ बनाई, और अब पूजा कर रही हूँ। और अब हमारे घर कंजक आने वाली है, सबसे पहले आप मंदिर के दर्शन कर लो। और ये देखो कंजक अब आ रही है, और कितना अच्छा लग रहा है ना इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा। और आर्यन लेके आता है, ये जो माटू की ट्यूशन वाली दीदी है ना उनके घर से मिली, पहले तो परी और के घर थी, और अब इनके मैं सबके ऐसे ही पैर इनके साफ करके इनको वहां पे बैठा लूंगी। और ये वो इस टाइम ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी जो हम 8 दिन तक पूजा करते हैं, फिर उसके बाद जो ये वाला टाइम आता है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है इस टाइम पे। और सारे बच्चे अब इनको पता नहीं, बाद में पता चला, बोल रहे हैं वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है, इस वजह से दोबारा फिर बाय करने के लिए आया, बोल रहा है हेलो, और ये देखो परी। और अब सारे बच्चे बैठ चुके हैं, अब मैं इनको मैं छोले और प्रसाद दे दूंगी, और आर्यन है जो वो साथ में पूरियाँ देता रहेगा, क्योंकि फिर अकेले तो दे नहीं सकते ना, पिंकी उधर पूरियाँ बना रही है, क्योंकि पहले हम दोनों मिलके बना रहे थे, लेकिन अब हम इनको खिला देंगे, जब तक पिंकी थोड़ी सी और पूरियाँ हमारी बनी रखी है उनको भी बना लेगी, मतलब फ्राई कर लेगी तेल में, और मैं देते जा रही हूँ, आर्यन भी देते जा रहा है। और ऐसे ही देखो काफ़ी सारी कंजकें इकट्ठी हो गई थी, वैसे कई बार मिलती भी नहीं, लेकिन मैं हमेशा जितना मुझसे होता है ना, मैं ज़्यादा ही कंजक बिठाने की कोशिश करती हूँ, मैं ऐसे नहीं करती कि 5 बिठा ली मैंने, 7 बिठा ली, नहीं, जितनी होती है ना उसे ज़्यादा ही करने की कोशिश करती हूँ। और ये देखो अब प्रसाद देने के बाद अब मैं इनको मैं केले दिए जा रही हूँ, जो हमारी मतलब श्रद्धा है हम वो दे सकते हैं, मैं केले दिए जा रही हूँ, और आर्यन इनको पैसे दे रहा है। श्रद्धा में हमारी मर्जी होती है, जितना हमारे पास है, जितना हम दे सकते हैं वो देते हैं, और ऐसे ही करके बस ये मतलब टिक चुका है हमारा कंजक, हमारी सारी बैठ चुकी है, खाना उन्होंने खा लिया। और इसके बाद ना एक बच्ची हुई भी थी, मतलब वो बाद में आई, अनोखी, जो हमारे पास में ही रहती है, वो कहीं और चली गई थी किसी के घर में, वो फिर बाद में आई, जब तक ये जा चुके थे सारे। और बच्चे देखो इतने वो होते हैं ना, उनको खाने से कोई मतलब नहीं, उनको होता है पैसे दे दो, पैसे दे दो, जल्दी जल्दी हमें पैसे दो। और अब सब जा रहे हैं, अब मैं इनके पैर भी छू लूंगी थोड़ी सी देर, एक एक करके। और यहाँ पे ना पता क्या रिवाज है, यहाँ पे लड़के भी आते हैं साथ में, इनमें 2 या 3 तो शायद लड़के होंगे, यहाँ पे रिवाज है, यहाँ पे लड़कियों के साथ में लड़के भी आते हैं ऐसे। ये देखो ये भी लड़का है, शायद 3 लड़के थे, हाँ ये। और ऐसे ही करके सारे चले जाएंगे बस। और अब हमारी पूजा मतलब पूरी हो चुकी है, और ये देखो बच्चा बाय करके जा रहा है, ये बड़ा शैतान बच्चा है, ये माटू के साथ ना ट्यूशन पे जाते हैं,
और इनको पता है माटू की मम्मी वीडियो बनाती है, इसीलिए तो ये इतने खुश हो रहे हैं कि देखो वीडियो बन रही है आज तो यहाँ पे। और ये परी है, परी सबसे लास्ट में गई, क्योंकि कहीं छोटे बच्चे भी होते हैं ना, वो आराम आराम से जाते हैं। और अब देखो ये बाद में आई फिर अनोखी। अब इसको भी थोड़ा सा तिलक लगा रही हूँ, पैर मैंने इसके धुल दिए थे। और अब प्रसाद तो किसी को खाना नहीं होता, बस इनके सामने रखना ही होता है ऐसे। और यहाँ पे ना सब प्लेट लेके आते हैं अपनी, हमारे साइड नहीं लेके आते, वहाँ पे कहीं कहीं लेके आते हैं, लेकिन हमारे जहाँ मतलब हमारा गाँव है वहाँ पे तो कोई प्लेट लेके, हम भी नहीं जाते थे कभी प्लेट लेके। और अब मैं इनको दे रही हूँ बस, क्योंकि ये ना किसी और के घर चली गई थी बाद में आई फिर। और अब आर्यन ने इसको भी थोड़ी सी दक्षिणा दे दी जो हमें देनी थी, और ये बोल रही है कि मैं ना किसी और के घर चली गई थी। मैं इससे पूछ रही हूँ कि क्या बात, कहाँ थी इतनी लेट आई। और बस अब सब जा चुके हैं। और इसके बाद ना मैंने दो लड़कियाँ और थी उनके घर भेजती हूँ मैं, वो छोटी है ना इस वजह से उनके घर पे वहीं पे भेज देती हूँ। और ये प्लेट है आप सबकी और मेरी, क्योंकि आज अब व्रत खुलेगा मेरा, तो छोले हैं, प्रसाद है, और चाय और पूरी है साथ में, तो खा लो आप सब भी। और इस टाइम हम सब बस अब नाश्ता कर रहे हैं, आर्यन मैं और पिंकी, हमने नाश्ता कर लिया। और अब ये 10:30 बजे के आसपास का टाइम है। अभी ना अंदर का काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, और वही मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि ना नाश्ता करने के बाद हमने थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट भी किया। और ये देखो यहाँ पे सैंजी लगी हुई थी ना, और यहाँ पे सैंजी की पूजा करती थी मैं, और ये आर्यन के पापा ने जुगाड़ बना रखा है, दो लकड़ियाँ थी उनको एक जगह मिलाया और उनके ऊपर प्लेट लग ये रखे प्लेट, और एक कील लगा दी देखो, और पूजा करने की बना दी। जाट होते हैं ना, वो जुगाड़ कर ही देते हैं कुछ ना कुछ। और अच्छे से मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर साफ करके इसको रख देती हूँ, दोबारा फिर निकाल लेती हूँ। और अब मैंने इसको रख दिया, और अब आपको रसोई दिखा रही हूँ कि देखो अभी रसोई ऐसे ही फैली पड़ी है। मैं रसोई समेट दूंगी, पिंकी पोछे लगा देगी और जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि कोई तीज त्योहार होता है ना तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। और ये देखो पूरियाँ बस ये बची है, ये तो गाय पे ही जाएगी, क्योंकि हम खाएंगे नहीं अब दोपहर में, तो हम चावल ही बनाएंगे। और हमने इतनी बनाई थी बस, हमने पता था कि दोपहर में तो खाने नहीं। और ये सारी चीज़ें एक तरफ रख दूंगी, और जो छोले तो हमने पहले ही निकाल के रख दिए थे डोंगे में, और प्रसाद है उसको भी छोटे बर्तन में निकाल लूँगी, ये बड़े बर्तन सारे मैं खाली करके और इनको साफ़ कर दूंगी। फिर मैं सेल्फ वगैरह, काफ़ी टाइम लगने वाला है आज, क्योंकि फिर चिकनाई सी हो जाती है ना सेल्फ पे, वो सर्फ के साथ साफ़ करनी पड़ेगी, और टाइम बहुत ही ज़्यादा लगा। लेकिन चलो आज ये वाला काम भी निपट चुका है, आज कंजक हमारी बैठ चुकी है, और ये तेल भी ठंडा हो चुका है, इसको भी मैं डब्बे में डाल दूंगी। और ये देखो ये डब्बी ये ना माटू के लिए आई है, माटू की ट्यूशन वाली दीदी है ना वो देके गई थी। कई लोग यहाँ पे ऐसे भी देते हैं, और इसमें पैसे भी है देखो, वो पैसे भी देके गई, और एक दो आंटियाँ और है वो भी देके जाती है माटू के लिए घर पे ही, क्योंकि यहाँ पे लड़के भी जाते हैं ना ऐसी लड़कियों के साथ, तो माटू के लिए घर पे आ जाती है। और डिब्बी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, मैं भी देखती हूँ कल शायद ये मेले में होगी, फिर वहाँ से लेके आऊँगी एक दो डिब्बी और भी। और ये देखो, और अभी ये दोपहर के खाने का मतलब टाइम हो रहा है, तो उसके लिए हमने 4-5 आलू उबाले हैं, क्योंकि जो छोले हैं उनको तरी वाले बनाने हैं, इस वजह से आलू को छील के उनको अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया, उसके बाद उसमें तेज़पत्ता डाल दिया और जीरा डाल दिया। और अब टमाटर मैंने कट करके रखे हुए हैं, उसी में थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल रखी है, वो डाल दिए। अब इसमें थोड़ा सा ना सूखे मसाले डाल दूंगी बस, और तरी वाले बनाने हैं आज भी, फिर प्याज वाला नहीं खा सकते ना, प्याज का तड़का तो कल से लगेगा। और ये देखो अब मैं इसमें सूखे मसाले डाल रही हूँ, वही जो हमारे डेली रूटीन के मसाले होते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, वो सारी चीज़ें डाल के, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ी सी देर के लिए पका लूँगी, ताकि टमाटर अच्छे से ना सॉफ्ट हो जाए। और अगर मैं इनको ग्रेटर में करती तो इतना टाइम नहीं लगता इसमें, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाते, लेकिन ग्रेटर में करने से भी ना मुझे थोड़ा सा हल्का सा आता है, इस वजह से मैं ऐसे ही बारीक बारीक से कट करके उनको थोड़ी सी देर के लिए ना पका लेती हूँ, ताकि बस ऐसे ही काम चल जाए। और ये देखो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, थोड़े बहुत टमाटर वैसे इसमें दिख रहे थे, लेकिन आर्यन को नहीं दिया, आर्यन को ना हमने साइड में तरी निकाल के फिर दे दिए थे। और अब मैंने इसमें जो आलू अच्छे से मैश करके रखे हुए थे ना, वो भी डाल दिए। अब इनको मिक्स कर रही हूँ, इनमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, और बस हम बन जाएंगे हमारे तरी वाले छोले। और चाहो तो इनको ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन हमें तरी वाले बनाने हैं ना, इस वजह से मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। इसमें एक उबाल आएगा, उसके बाद मैं इसमें छोले भी डाल दूंगी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्जी बनी थी।
और अब इसको ना थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही मिक्स करके और ढक के छोड़ दूंगी मैं, ताकि ये अच्छे से पक जाए, ताकि इसमें एक उबाला सा आ जाए। उसके बाद ही मैं छोले डालूंगी। फिर ऐसे तो ना थोड़ा अलग सा लगता है ना पानी का टेस्ट, जब तक पानी ना पके तब तक छोले वगैरह ऐसे मैं डालती नहीं। और अब देखो उसमें उबाला आ चुका है और अब मैं इसमें छोले डाल रही हूँ। और थोड़े से छोले ना मैंने बचा भी लिए थे, क्योंकि वो फिर चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना, इसलिए। ये देखो, और इसमें जरूरत भी बस इतनी ही थी, क्योंकि साइड में ना मुझे कड़ी में भी तड़का लगाना है। ये काफ़ी है सब्जी। और अब इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया। इसमें एक उबाला आएगा सब्जी में हमारी, जब हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखो, अब मैं ढक के छोड़ दूंगी सब्जी को, और साइड में कड़ी में तड़का लगा रही हूँ। मैंने ये छोटा सा पैन चढ़ा दिया, इसमें घी डाल दिया, और ये घी का तड़का इतना टेस्टी लगता है ना कड़ी में, बहुत ही। वैसे तो ये हर सब्जी में इतना मतलब टेस्ट बढ़ जाता है इस तड़के से। और मैंने जीरा वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि मुझे ना ऐसे तड़के की ही कड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मतलब मेरा मन हो रहा था बहुत ही ज़्यादा खाने के लिए। और अब थोड़ी सी मतलब पिंकी ने और मैंने, हम दोनों ने ही खानी है, इस वजह से मैंने थोड़ी कड़ी में ही तड़का लगाया। जो बाकी किया है वो तो बाद में डाल देंगे गाय के। और ये देखो कड़ी भी पक चुकी है, इधर सब्जी भी हमारी पक चुकी है, और चावल भी देखो साइड में कुकर रखा हुआ है ना, चावल भी हमारे बन चुके हैं, खाना हमारा तैयार हो चुका है अच्छे से। और ये देखो, अब मैं ना खाना डाल रही हूँ यहाँ पे, और मुझे पता नहीं था कि पहले फोन यहाँ पे था ना, तो पिंकी खड़ी हुई मेरी वीडियो बना रही है। मैं पिंकी के साथ बातें कर रही हूँ और खाना भी डाल रही हूँ। फिर मैंने कहा कि क्या कर रही है, करी है, मैं तो वीडियो बना रही थी, देखती हूँ कैसी मतलब ठीक लगेगी तो रख लेना। और ये देखो प्लेट, ये मेरी प्लेट लग चुकी है आज। आज मैं ये नहीं बोलूँगी आप सबकी प्लेट, ये मेरी प्लेट है, क्योंकि मुझे चावल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, और अगर हम 4-5 दिन ना खाए तो थोड़ा सा हो जाता है ना, तो इसीलिए मैंने दोपहर में चावल बनवाए। तो खा लो आप सब। हेलो, जब 11 बजे हमारा सारा काम निपटा, तब उसके बाद फिर खाने का मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ। खाना तो वैसे था सुबह का, काफी सारा पड़ा है, लेकिन वो पूरियां वगैरह सुबह में खा लेते हैं ना, फिर दोपहर में मतलब कौन खाता है, फिर कम ही खाते हैं दोपहर में। वैसे भी हमने ना पूरी पूरी सी ही बनाई थी, जितना मतलब कंजके आई थी उनको दे दिया, जो हमें किसी के घर देना होता है, गाय को देना होता है, उतना ही बनाया था, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बनाया था हमने। उस टाइम को सोचा था कि चलो दोपहर में बना लेंगे, गरम गरम पूरियां ही बना लेंगे दोपहर में, फिर वो कैंसल हो गया। फिर क्योंकि दोपहर सुबह में भारी भारी सा हो गया था ना खा के, और तला हुआ एक टाइम खा के अगले टाइम थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है ना, इस वजह से। तो फिर दोपहर में चावल बना लिए, और अब खाना पीना हमारा हो चुका है। और आज बिल्कुल मेरी फेवरेट चीज कई दिनों बाद मिली है ना, चावल, बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। पिंकी ने कल कढ़ी बनाई थी ना, कुछ कढ़ी पड़ी थी, कुछ उसमें भी तड़का लगा लिया था, और कुछ छोले चावल ये हो गए थे। तो बस अभी सबने खाना खा लिया, और हम अभी उधर ना बिग बॉस देख रहे थे, क्योंकि मैंने ना रात बिग बॉस नहीं देखा था इस वजह से, क्योंकि आज सुबह में जल्दी उठना था इसलिए। फिर दोपहर में आ रहा था आज, हमने वो देखा, और अभी बस थोड़ी सी देर हम रेस्ट करेंगे। वैसे सुबह भी मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, जब हमने नाश्ता किया था ना तब हमने थोड़ा सा रेस्ट, बस मैंने और आर्यन ने, क्योंकि हम जल्दी उठे थे ना इस वजह से। मैं तो मैंने आपको टाइम दिखाया 4 बजे, उस टाइम तक मैं नहा चुकी थी, तो उससे भी मैं थोड़ी सी पहले ही उठी थी, क्योंकि फिर अब मौसम थोड़ा अलग हो रहा है ना, पहले पानी गर्म करना पड़ता है, उसके बाद फिर नहाना पड़ता है। गर्मी हो तो साथ के साथ जाओ नहा लो, लेकिन अब पहले पानी गर्म करेंगे उसके बाद नहाएंगे। तो आप बताओ सब, देखो फिर मैं बातें बोलती जा रही हूँ बोलते जा रही हूँ, आप सब बताओ, आज तो सबका व्रत मतलब आज तो सबने कंजक बिठा ली होगी, आज सबका व्रत खुल चुका है, और कल दशहरा है, बस नौमी और दसवीं एक है। पहले आसपास ना इतना बड़ा रावण बनता था, लेकिन अब नहीं, और पहले तो यहाँ भी रावण जलाते थे, अब की बार पता नहीं जलाते तो होंगे, छोटा मोटा कुछ नहीं पता, देखते हैं कल क्या होगा। और मेला लगता था बहुत बड़ा, लेकिन अब की बार भी लग रहा है, लेकिन वो वाली रौनक नहीं है जो हमेशा होती थी। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं चली जाऊं आज भी, लेकिन फिर मैंने कैंसिल कर दिया कि नहीं चलो कल ही चलेंगे, कल दशहरा भी है, और तब आपको दिखाऊंगी मेले में कितनी सारी दुकानें लगी है, क्योंकि मैं हर रोज सुबह में जाती थी, सुबह में मत्था टेकती थी और आ जाती थी। वो तो पिंकी गई, पिंकी ने देखा कि मेला लगा हुआ है, काफी सारी दुकानें हैं, तो देखती हूँ मैं कल जाऊंगी, कल संडे है ना, कल आर्यन भी फ्री है, आर्यन और मैं हम दोनों चले जाएंगे, और देखती हूँ माटू को भी लेके चली जाऊंगी, नहीं तो माटू और आर्यन इसके पापा ये तीनों चले जाएंगे, क्योंकि माटू फिर वहां पे परेशान बहुत ही ज्यादा करेगा। आप सबको पता ही है कि मेले में जाके बच्चे कितने परेशान करते हैं, इस वजह से मैं देखती हूँ कि कल पिंकी और मैं जाए या आर्यन
में है, कौन जाता है कुछ नहीं पता अभी। और हाँ, आप सबको हैप्पी दशहरा मेरी तरफ से, क्योंकि ये वीडियो कल जाने वाली है, इस वजह से तो मैं एडवांस में ही मतलब आज बोल रही हूँ, कल तो दशहरा है, जब ये मेरी वीडियो आपको मिलेगी तब तो दशहरा है ना, तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दशहरा। तो मिलती हूँ कल आपको एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय।